Science has proved to me that physical individuality is a delusion. That really my body is one little continuously changing body in an unbroken ocean of matter. And Advaita, unity, is the necessary conclusion with my other counterpart soul. मतलब आज विज्ञान ने ये इस बात को साबित कर लिया है कि जो एक फिजिकल इंडिविजुअलिटी है, जो भौतिक रूप में किसी चीज का दूसरे से विलग होना है, ये अपने आप में ही एक गलत बात है, एक प्रकार की एक मिथ्या बात है, भ्रम है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे उसका एक बंध है। उसी से ऐसा विश्व बना है, विश्व की रचना ही ऐसी हुई है कि आप एक चीज को अलग दूसरे चीज से नहीं देख सकते। और एक जगह पर तो वो बोलते हैं कि नॉट ए एटम कैन बी लिफ्टेड विदाउट कैरिंग द होल यूनिवर्स इन इट। आज ऐसा विज्ञान कह रहा है कि, और अद्वैत वही कह रहा था, हमारा अद्वैत जो हमारा तत्वज्ञान है, जो प्राचीन वेदांत है, वही चीज कह रहा था कि एक अणु को भी उठाना असंभव है क्योंकि वो सारे विश्व से जुड़ा हुआ है। जब आप अणु को उठाएंगे तो सारा विश्व भी उसके साथ आएगा। ये बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन आज विज्ञान उसको मान रहा है कि जो इसेंशियल यूनिटी है, सबकी जो एकता है, हर चीज का एक दूसरे से जो मिलाप है, उसका अनुबंध है, वही सत्य है, वैश्विक सत्य है। और उसका काउंटर पार्ट, इसी आर्ग्यूमेंट का दूसरा काउंटर पार्ट यही है कि जो मेरी जीवात्मा है, वो जीवात्मा वैसी ही आत्मा, वैसे ईशावास्य विदम सर्वम, हर जगह पर उसी का अस्तित्व है, उसके रूप अनेक अनेक है, लेकिन उसका जो अंतिम जो उसका ध्येय है, गंतव्य है, वही है। साइंस इज नथिंग बट फाइंडिंग ऑफ यूनिटी। एज सून एज साइंस वुड रीच परफेक्ट यूनिटी, इट वुड स्टॉप फ्रॉम फर्दर प्रोग्रेस बिकॉज इट वुड रीच द गोल। स्वामी जी कहते हैं कि विज्ञान का सारा लक्ष्य यह है कि अंतिम एकता को ढूंढना। जिस दिन जिस क्षण विज्ञान समझेगा कि हर चीज में एकता है, जो भी हम ढूंढ रहे थे वो विभिन्नता तो सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन अंततः वहां सिर्फ एकता और एकता ही है, उस समय वो आगे कुछ भी विकास करने की, प्रगति करने की चेष्टा नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। वही अंतिम ध्येय गंतव्य हो सकता है। और जब केमिस्ट्री, इट कुड नॉट प्रोग्रेस फर्दर व्हेन इट वुड डिस्कवर दैट वन एलिमेंट आउट ऑफ व्हिच ऑल द अदर कैन बी मेड। वैसे फिजिक्स वुड स्टॉप विद व्हेन इट इज एबल टू सी दैट इट सर्विसेज इन डिस्कवरिंग वन एनर्जी ऑफ व्हिच ऑल द अदर्स आर मैनिफेस्टेशंस। मतलब रसायन शास्त्र को जब समझेगा कि सारे जो रसायन है, सारे द्रव्य है, वो सारे एक ही मूल द्रव्य से निकले हैं, उसकी उसका वो अपना जो मार्ग है उसको समझेगा कि ये अभी तो मार्ग अपना, मैं अपने स्थान पर आ गया, मेरे ध्येय तक आ गया। भौतिक शास्त्र कहेगा कि जब मुझे सारी शक्तियां, सारी जो जिसको हम एनर्जी कहते हैं, वो सारी मिलकर एक ही, इनफैक्ट अभी हो गए, जो यूनिफाइड एनर्जी के लिए हम बात करते हैं कि एक जो दूसरी एनर्जी सारी एक ही है, तो यही तो स्वामी जी 100 साल 150 साल पहले कह रहे थे कि ये संभव नहीं है, ये सब चीज जो है वो एक ही इस प्रकार से आई हुई चीज है। ये जब समझेगा विज्ञान भी वहां रुक जाएगा। उसी प्रकार जो साइंस ऑफ रिलीजन है, वो कहते हैं वो भी रुक जाएगा जब उसको समझेगा कि जो भी सारे जीव है, जीव जंतु है, उनके प्राण है, उनके जो अलग अलग शरीर दिख रहे हैं, रूप दिख रहे हैं, ये सारे नाम रूप के खेल के पीछे एक ही तत्व है, एक ही नाम है, एक ही सत्य है, एक ही चित्त और आनंद है। ये समझेगा तो ये साइंस ऑफ रिलीजन, ये जो धर्म का भी एक अपना विज्ञान है, उसकी भी एक खोज है, अन्वेषण है, नियमों को खोजने की और पाने की और समझने की, वो भी वहां अपना गंतव्य प्राप्त कर लेगी। सो वन हु इज द ओनली सोल ऑफ विच ऑल सोल्स आर बट डिल्यूसिव मैनिफेस्टेशंस, दस इट इज थ्रू मल्टीप्लिसिटी एंड ड्युअलिटी दैट द अल्टीमेट यूनिटी इज रीच्ड। मतलब अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है, लेकिन उससे ही जो अंतिम एकता है उसका आपको प्राप्ति होती है। ये सारे डिल्यूसिव मैनिफेस्टेशंस है, इसमें भ्रमित करने वाले कई सारे उसके रूप है, लेकिन सारे ये अलग अलग मोहित भ्रमित करने वाले रूपों के पीछे जो आत्मा है वो एक ही है, और उसकी खोज, उसका एक बार जब उसका हमें दर्शन हो जाता है तो और कुछ पाने की चाह ही नहीं रहती, सब कुछ हमें मिल जाता है। यही सारे विज्ञान का और ये परा जो हमारा ज्ञान है उसका भी यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। एंड सो ऑल साइंस इज बाउंड टू कम टू द कंक्लूजन इन द लॉन्ग रन, मैनिफेस्टेशन एंड नॉट क्रिएशन इज द वर्ड ऑफ साइंस टूडे, एंड हिंदू इज ओनली ग्लैड दैट ही हैज बीन चेरिशिंग इन हिज बॉसम फॉर एजेस is going to be taught in more forcible language and with further light from the latest conclusion of science. आज विज्ञान यही कह रहा है, स्वामी जी ने कहा
कि मैनिफेस्टेशन एंड नॉट क्रिएशन, किसी चीज का नए से निर्माण नहीं होता है, वो चीज का सिर्फ एक प्रकार से प्रगटीकरण होता है, इट जस्ट गेट्स इनटू एक अरूप से उसको स्वरूप मिलता है, उसको एक जहां पे उसका निराकार था उसका एक साकार हो जाता है, उसको एक प्रकार का आकार मिल जाता है, और वो करने वाला जो कलाकार है वो ईश्वर है, वो उसकी लीला है। और ये जब विज्ञान आज कहता है तो जो हिंदू है वो पहले से ही इसे कह रहा था, उसे समझ रहा था, संस्कारों से उसके तक ये आया था, तो उसे आनंद होता है, उसको लगता है कि जो मैंने अपने हृदय में छिपाई हुई चीज थी बरसों से, सालों से, सदियों से, आज वही विज्ञान अपनी एक जो उसकी शक्ति है वो शक्तिपूर्ण भाषा में कह रहा है और उसको और उस पर प्रकाश डाल रहा है, अलग अलग उसके बिंदु उसको जोड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। ऐसे स्वामी कहते हैं, इफ अ मैन कैन रियलाइज हिज डिवाइन नेचर विद द हेल्प ऑफ एन इमेज, वुड इट बी राइट टू कॉल दैट एज अ सिन? बिकॉज बहुत ऐसा चल रहा था कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, मूर्ति पूजा अवैज्ञानिक है, मूर्ति पूजा एक विकास के मार्ग में रोड़ा है, लेकिन टू ए हिंदू मैन इज नॉट ट्रेवलिंग फ्रॉम एरर टू ट्रूथ, ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रूथ टू ट्रूथ। स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ कही है कि कोई भी गलती नहीं होती और कोई भी सच्चाई नहीं, हम लोग छोटे सच्चाई से, निम्न स्तर के सच्चाई से ऊपर के स्तर के सच्चाई पे जाते हैं, लोअर टू द हायर ट्रूथ, एंड देयरफॉर टू हिम ऑल द रिलीजन्स फ्रॉम द लोएस्ट फेटिशिज्म टू द हाईएस्ट एब्सोल्यूटिज्म, इट मींस सो मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ द ह्यूमन सोल टू ग्रास्प एंड रियलाइज द इनफिनिट, ही इज डिटरमाइंड बाय द कंडीशन ऑफ हिज बर्थ एंड एसोसिएशन एंड ईच ऑफ इट्स मार्क्स द स्टेजेस ऑफ द प्रोग्रेस। तो कोई भी एकदम छोटे से छोटे जो उसका भाव है ईश्वर के प्रति जाने का, जो उसको उसको धर्म का नाम देना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे जो एक छोटे छोटे विश्वास है, छोटी छोटी पूजाएं हैं, वहां से लेके बहुत ही उच्च स्तर के जो एक प्रकार का हम कहते हैं कि एकता का वाद है, अद्वैत का वाद है, वहां तक लेके जाने का सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि अलग अलग जीव जो है, अलग अलग लोग, अलग अलग स्तर पर है, उनकी जो आज की अधिकार है उनका, उनको जहां तक जाने की उनकी क्षमता है वो अलग अलग है, और इसलिए अपने अपने तरफ से वो अनंत की, कोई जैसे जात्यंत्र की कथा में कोई उसकी पूछ पकड़ता है, वो कहता है ये तो कुछ रज्जू जैसा दिख रहा है, दूसरा पैर पकड़ता है और बोलता है कि अरे ये तो बड़े खंबे जैसा दिख रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से ईश्वर की तरफ की अपनी पूजा मानते हैं, और श्री कृष्ण ने जैसा कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते वो भजाम्य हम, आपको जिस प्रकार से करना है वैसे करो, तत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ नहीं मिले तो पानी भी मुझे अर्पण कर दो, मुझे वो भी कबूल है, मुझे वो भी प्रिय है। ये क्यों है? क्योंकि भारत की ये धारणा सनातन धर्म, वैदिक धर्म की, हिंदू धर्म की धारणा है कि जैसे जिसको चाहे, जैसे जो पकड़ सके वो अनंत के जो कोना पकड़ से, वो आप वो माँ के पल्लू का वो कोना आप पकड़ लीजिए, माँ आपको अपने साथ लेके जाएगी। तो इस प्रकार की ये जो धारणा है उसकी वजह से हम कहते हैं कि एक तो विशाल सूर्य है और वो सब जगह से हमारी तरफ तेज से देख रहा है, उसके जो किरण आपको मिले, एवरी सोल इज अ यंग ईगल सोरिंग हायर एंड हायर गैदरिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंथ टिल इट रीचेस द ग्लोरियस सन। तो हर जीवात्मा एक प्रकार से वो एक यू नो जो ईगल होता है, जो अपने अब गरुड़ की जो एक उड़ान होती है, तो अपने अपने थोड़ी थोड़ी शक्तियां इकट्ठा करता है, जहां तक जा सके वो विशाल का या तेजस्वी सूर्य की तरफ जाने की अपनी कोशिश करता है। तो किसी को भी आपको झूठा या निम्न स्तर का नहीं कहना है, कोई निम्न है, कोई उच्च है, हर एक अपने अपने मार्ग से, अपने अपने प्रथा से, अपने अपने अधिकार के साथ, संस्कार के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको आप बढ़ावा दे दो, अगर बढ़ावा नहीं दे सके तो उसको जैसा जाना है उसका जाने दो, उसके मार्ग में कभी भी बाधा मत लाओ, उसको नीचा मत ठहराओ। तो यूनिटी इन वैरायटी इज द प्लान ऑफ द नेचर, हिंदू हैज रिकॉग्नाइज्ड इट। एक ही ऐसा एक विशेष संस्कृति और धर्म है जिसको ये पता चला विविधता में ही एकता है, बाकी सारे रिलीजन जो है वो एक फिक्स डॉगमा लेके बैठ गए, एक उन्होंने उसी को सोसाइटी पे फोर्स कर दिया और उन्होंने कहा कि यही है, एक तो मतलब ये एक कोट है और ये कोट जैक को भी फिट होना चाहिए, जॉन की होना चाहिए, हेनरी को भी, सबको एक ही कोट, सब या तो आप डाल दो नहीं तो अपना शरीर बदल दो, हम अपना कोट नहीं बदलेंगे। तो ये कोट कवर है बॉडी के लिए या बॉडी कोट के लिए है, क्या महत्वपूर्ण है? यही सब उल्टा हो गया कि जीव के लिए सारे बाकी के धर्म और प्रथाएं और रूढ़ियां हैं, रूढ़ियों के लिए जीव नहीं है, जीवात्मा अपने आप में मुक्त है, उसको क्या सूट होता है, वो कहां से उसको पकड़ सकता है, कहां से उसको वो संभव हो सकता है, उसी मार्ग से उसको जाने देना, ये अपने लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था। ये जिसने समझा, जिसने उसको अपने सारे समाज के व्यवस्था में उसको परावर्तित किया, वो महान संस्कृति हमारी संस्कृति है। But it is not compulsory in Hinduism. यहाँ कहा गया, it is not that the help is necessary for everyone. But those that do not need it,
have no right to say that it is wrong. अगर आपको किसी मदद की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप चले जाओ, आप बड़े हैं. लेकिन जिसको आवश्यकता है उसको आप कभी भी गलत मत साबित करो. उसको जरूरत है, उसको कुछ आधार लगते हैं, जैसे कोई पंगू है उसको व्हील चेयर लगती है, कोई थोड़ा सा अपाहिज है या थोड़ा वृद्ध हो गया है उसको एक हाथ पकड़ के उसको सीढ़िया चढ़नी पड़ती है, तो ठीक है, उसके लिए वो अच्छा है. आप छलांग लगा के जाते हैं तो वो आपकी मर्जी, आपकी शक्ति, आपकी किस्मत. लेकिन इसके लिए ये नहीं कि जो धीरे धीरे आ रहा है, जो धीरे धीरे उसको एक जगह से उसने पकड़ के दीवार को अपना हाथ रख रख के ऊपर आ रहा है, उसको आप झूठा साबित करें, छोटा साबित करें, ये कभी नहीं होगा. ये हिंदू कभी भी नहीं करेगा. That's why, so the Hindu in the whole world of religions is only a traveling, coming up different men and women from various conditions and circumstances to the same goal. अलग अलग तरफ से, मान लो बड़ा एक पर्वत हिमालय है, अलग अलग तरफ से अलग अलग लोग आ रहे हैं, कोई ऊपर है, कोई थोड़ा नीचे है, कोई अभी तक शुरुआत ही नहीं कर पाया है, कोई एकदम ऊपर से उस शिखर पर जा पहुंचा है. तो हर कोई ऊपर जाने की, वहां जाने की, विकास की, उन्नयन की कोशिश कर रहा है. एंड एवरी रिलीजन इज ओनली इवॉल्विंग अ गॉड आउट ऑफ द मटेरियल मैन, द सेम मैन इज द इंस्पायरर ऑफ ऑल ऑफ देम. एक ही जो ईश्वर है सबको प्रेरणा दे रहा है, एक ही ईश्वर सबको अपनी तरफ लेके आ रहा है. तो होने दो, कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन होने दो, वे सारी सिर्फ एक ऊपर ऊपर की है. इट्स ऑल एपरेंट, सेज द हिंदू. There is nothing inside deep or fundamentally, there is nothing contradicting. अलग अलग circumstances में अलग अलग चीजें करना जरूरी हो गया, वैसे उनको कर दी गई. और इसीलिए एक बहुत सुंदर वाक्य वो वहां हमेशा स्वामी जी उपनिषद गीता वेद सबका हमेशा उसका उनमें उल्लेख आता ही रहता है, बार बार आता रहता है. तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें खुद भगवान ने, ईश्वर ने विश्व मनुष्य को ये एक प्रकार का आश्वासन दिया है कि मैं हूं, मैं आपके लिए सब कर रहा हूं. आप अलग अलग अगर तरफ से देखेंगे, अलग अलग रंग के अगर आप आपके सामने चश्मे लगाएंगे तो आपको जो सामने प्रकाश है वो अलग अलग दिखेगा. ये ठीक है, उसको जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप आ जाओ. लेकिन ये सारी विविध जो मणि है, ये सारी मौतिक है, ये सारे मणियों में, ये सारे अलग अलग दुनिया की चीजों में जो उसके बीच में से जो एक प्रकार का मोतियों के बीच में जो पिरोया हुआ धागा है, वो धागा में है सूत्र मणि गणा हुआ. कितना सुंदर वो एक आश्वासन है कि आप कहीं भी कैसे भी हो, आपको पिरोने वाला, आपके अंदर से जाने वाला. तो धागे का मतलब बहुत बड़ा है क्योंकि धागा दिखता नहीं है, लेकिन सारे मोतियों की माला बनाने में धागा ही लगता है. तो श्री कृष्ण इस प्रकार से दिख नहीं रहे कि वो हमारे सबके बीच में है, हम सबको पिरो रहे हैं, हम सबको एक साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है हम ही अलग है, ये ही अलग है, वो ही अलग है. तो ये हमें आश्वासन मिला है. The whole system of Sanskrit philosophy, any such expression as that the Hindu alone will be saved and not others, is not there. हमारी सिस्टम ऐसी नहीं कि हम लोग कहीं भी पूरे इतने 10,000 साल के आप इतिहास में देखिए कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि सिर्फ हिंदू को ही मोक्ष मिलेगा, बाकी किसी को मिलेगा नहीं. सिर्फ हमको ही ईश्वर दिखेगा, बाकी को हर एक को दिखेगा. कोई भी जो मानता नहीं ईश्वर उसको भी हमने अपना बना लिया. जो कहता है ईश्वर नहीं है, वेद नहीं है, उनको भी हमने कहा ठीक है भाई तुम भी ठीक हो, अब एक साइड में आ जाओ. कि जो हमें पता है कि हर जगह से आपको पकड़ सकता है, हर जगह से आपको आपके मोती को भी अपने धागे में पिरो सकता है, उसके बारे में क्या झगड़ा करना है. और इसके बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, ये इसमें से हमें, हमारे लिए इसमें कोई एथेइज्म या एग्नोस्टिसिज्म के कोई फर्क नहीं पड़ता. ज्ञेयवाद हो, निरीश्वरवाद हो, जड़वाद हो, कुछ भी आप कहे, आप विश्वास करो ना करो, ये मानो व उसका ये भाग मानो, हर कोई हमारे लिए, कोई तो ईश्वर का मानता नहीं है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते. लेकिन उनका जो द होल फोर्स ऑफ द रिलीजन इज डायरेक्टेड टू द ग्रेट सेंट्रल ट्रुथ ऑफ इन एवरी रिलीजन टू इवॉल्व ए गॉड आउट ऑफ मैन. उसमें भी ये धर्मों में भी एक प्रधान जो भाग है वो वही है कि मनुष्य से कैसे उसका उन्नयन हो, वो कैसे एक बहुत ही बड़ी कह सकते ईश्वर या कह सकते एक बहुत बड़ी शक्तिमान अवस्था, एक ज्ञानमय अवस्था, उसमें वो कैसे जाए, ये हर एक का ध्येय है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है. और इसीलिए ये सारे जो प्रणालियां हैं, सारी जो व्यवस्था है, धर्म है, वो एक ही उस वेदांत के ही अनेक अनेक रूप होते गए बाद में. जिन्होंने विरोध किया वो भी उसका एक रूप माने गए कि जो बिंब होता है उसका ही तो प्रतिबिंब होता है, जब अंधेरा होता है तभी तो प्रकाश का महत्व समझता है. तो हर एक का विरोध भी अपने ही एक अंदर की एक अवस्था है, अपना ही एक रूप है. इस प्रकार से हमने उसकी तरफ देखा. द हिंदू मे हैव फेल्ड टू कैरी आउट ऑल देयर प्लान्स, बट इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी टाइम अ यूनिवर्सल रिलीजन, it must be one which will have no location in place and time, which will be infinite like the god it will preach, and whose sun will shine upon the followers of krishna and of christ, of saints and sinners alike,
एंड हु सन यू नो वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा जो हमने जो सोचा था, हमने जो एक प्रकार का भविष्य के लिए योजना की थी, हम उसमें पूरी तरह से यशस्वी नहीं हुए, क्योंकि योजना ही इतनी बड़ी थी। बड़े बड़े से बड़ा कुछ करने की कोशिश जब हम लोग करते तो कई बार उसमें हम लोग पराभूत भी हो जाते हैं। लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे प्रयत्न करना ही तो एक अपने आप में विजय है। तो इसलिए हमने वो प्रयत्न किया। अगर हमने कहीं भी कर भी नहीं पाए पूरा, हमारी योजना अगर सफल भी नहीं हुई, तो फिर भी भविष्य में अगर कभी भी एक ऐसा धर्म जो विश्व धर्म कहला सकता है तो वो सिर्फ हिंदुओं का धर्म ही, सिर्फ सनातन धर्म है या सिर्फ वैदिक धर्म ही हो सकता है, जो अपने आप में कृष्ण को भी ले सकता है, क्राइस्ट को भी ले सकता है, सारे संतों को ले सकता है, इतना ही नहीं निरीश्वरवादियों को और पापियों को भी ले सकता है। इस प्रकार का वो धर्म है। और उसमें फिर ब्राह्मण मतलब वैदिक धर्म है, उसके बाद बुद्धों का धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है या इस्लाम है, हर एक को उसमें कुछ ना कुछ जगह मिलेगी। जो धर्म सिर्फ अपने आप के लिए ही सोच रहे, उतने संकुचित भाव से सब देख रहे, उनको ये वैश्विक विश्व धर्म की जो एक प्रकार की पहल है या उसका जो एक विस्तार है, उसकी जो योजना है, उसमें उनको ये काम नहीं करने मिलेगा जो हमारे धर्म को करने को मिलेगा और मिलने वाला है। तो इसलिए फ्रॉम द लोएस्ट ग्रॉलिंग सैवेज नॉट फार रिमूव फ्रॉम द ग्रुप टू द हाईएस्ट मैन टावरिंग बाय द वर्चुज ऑफ हिज हेड एंड हार्ट ऑलमोस्ट अबव ह्यूमैनिटी मार्क मेकिंग सोसाइटी स्टैंडिंग अवे ऑफ ह्यूमन डाउट हिज ह्यूमन नेचर। मतलब छोटे से छोटे पशुतुल्य आदमी से लेके ऊपर से दैवी पुरुष तक भी, हर एक को जिसमें एक प्रकार का आधार मिल सकता है, उसको जगह मिल सकती है, स्थान मिल सकता है, वो जो संस्कृति वो धर्म है वो हमारा है। तो इसलिए इट विल बी अ रिलीजन विच विल हैव नो प्लेस फॉर परसेप्शन एंड इंटॉलरेंस इट्स पॉलिटी। जो हम पॉलिटिकल व्यवस्था कहते हैं उसको, कि राजकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये हमेशा इस तत्वज्ञान का ही एक रूप होती है। तो ऐसी राजकीय व्यवस्था जिसमें किसी के बारे में तुच्छता, किसी के बारे में उसके असहनशीलता, इसके लिए कोई जगह ही नहीं, किसी को यहाँ से तुम जाओ यहाँ को भी स्थान नहीं, हर एक को समाने वाला, ऐसा ही एक अपनी संस्कृति हो सकती है। हर एक के अंदर जो दैवी गुण है, उसके अंदर जो देवता का अंतर्भाव है, उसी के बारे में सोचते रहना, उसी को उजागर करने की कोशिश करना, उसका डिवाइन नेचर, दैट मीन्स हाउ हिज यू नो उसके अंदर के ईश्वर का अंश किस प्रकार प्रकट हो, इसलिए ये सब करने की कोशिश की। और ऐसा ही एक रिलीजन था जो बाकी सारे देश भी फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से ही एक जब अशोका ने भी अपनी काउंसिल बनाई, बुद्धिस्ट काउंसिल थी, लेकिन उसका भी तत्व यही था कि ये सारा एक विश्व के लिए एक धर्म बन जाए। अकबर ने भी वैसी कोशिश की। और आज फिर एक बार अमेरिका को ये स्थान मिला है, वो कह रहे थे कि जहाँ पे सारे विश्व को एक ही धागे में, एक ही धर्म में बांधने की कोशिश हो जाए। तो वो जो सारे हिंदुओं का ब्राह्मण है और वो अहुरा मजदा है ज़ोरास्ट्रियनों का, वो बुद्ध है बुद्धिस्ट लोगों का, जो यहोवा है जू लोगों का, और वो फादर इन हेवन है सारे क्रिश्चियन लोगों का, वो हमें ये शक्ति दे कि ये जो महान कल्पना है उसको हम मूर्त रूप में ला सके। जो तारा पूर्व से उसका उदय हो गया और धीरे धीरे चलते चलते जब वो पश्चिम की तरफ आ गया तो आज उसके उसके लिए पूरा उसने अपना चक्र पूर्ण कर दिया है। इट हैज कंप्लीटेड मेड अ सर्किट ऑफ द वर्ल्ड एंड नाउ इट इज अगेन राइजिंग ऑन द वेरी होराइजन ऑफ द ईस्ट द बॉर्डर्स ऑफ द सैनपो ए थाउजेंड फोल्ड मोर इफल्जेंट। वो कहते हैं कि यही तो होना था, ये चक्र पूर्ण हो गया, वापस एक बार एक पूर्व का जो तारा है फिर एक बार विश्व को दीप्यमान करने के लिए आगे आ रहा है, और सहस्त्र बार वो और भी तेजस्वी होता जा रहा है और होता रहेगा। और इसलिए उन्होंने ये आह्वान किया उस सब कोलंबिया के लोगों को और वहां सारी वो धर्म सभा के लोगों को कि ये आपको ये सौभाग्य है कि आपको ये सब करने को मिल रहा है। एंड द शॉर्टेस्ट वे ऑफ बिकमिंग रिच वॉज बाई First it was by robbing other one's neighbors. It has been given to thee to march at the vanguard of civilization with the flag of harmony. मतलब अभी आपको ये काम मिला है कि आप इस जो flag of harmony सबके जो एकता, सहिष्णुता, बंधुता का ये सारा जो प्रवास है, ये जो सारा संदेश है वो आप विश्व तक लेके जाए, इस प्रकार का उन्होंने उसमें विवरण किया। एक छोटा सा उनका भाषण उसके बाद में भी है 20 सितंबर का, वो एक संक्षेप में बनाता हूँ। उसमें उन्हें यही पॉइंट वापस रखा था कि धर्म हमारी कोई मूलभूत आवश्यकता है ही नहीं, आप क्यों यहाँ आके अपने अपने धर्म का प्रसार कर रही है। जो अब्राहमिक रिलीजन है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज को कह रहे थे कि क्रिश्चियंस मस्ट बी ऑलवेज वेरी रेडी फॉर ग्रेट गुड क्रिटिसिज्म एंड आई हार्डली थिंक दैट यू विल माइंड इफ आई मेक अ लिटिल क्रिटिसिज्म। यू क्रिश्चियंस यू आर सो फॉन्ड ऑफ सेंडिंग आउट मिशनरीज टू सेव द सोल ऑफ द हिडन।
Why do you not try to save their bodies from starvation? आप यहाँ पे हमें एक प्रकार आप समझते हैं हम लोग तुच्छ लोग हैं और हम लोग अभी नरक में जाने वाले, इसलिए आप हमको सेव करने के लिए यहाँ अपनी मिशनरीज को भेजते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कभी कभी उनकी भूख को भी मिटाया जाए? यहाँ इतने बड़े अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, लोग वहाँ भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और आप उसके बारे में कुछ नहीं सोचते? आप यहाँ चर्च बनाते जाते हैं। तो रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो कोई भी पूर्व जो दुनिया का भाग है उसमें ये कभी भी एक बड़ी एक उनकी आवश्यकता थी ही नहीं, ये कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सारा प्रदेश ही है, जो सारा पूर्व भाग है भारत से लेके और सारा पूरा साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया, ये सारा जो है वो पहले से ही धर्म और संस्कृति और अध्यात्म की नींव पर खड़ा है। उनकी जरूरत है, आज जो उनका भौतिक ह्रास हो गया है, उनको थोड़ा सा आप खाना देना, उनको थोड़ा सा मदद करना, ये उनकी जरूरत है। उसके बिना आप, बट यू गिव देम स्टोन्स, दे आस्क फॉर द ब्रेड, इट इज एन इंसल्ट टू स्टार्विंग पीपल टू ऑफर देम रिलीजन। किसी भूखे को धर्म का उपदेश करना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान है, उसके मानव होने का आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो ये किसी आदमी को छोटा सा एक अन्न का एक ये चाहिए और आप उसको मेटाफिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप उसको बड़ी बड़ी तत्वज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं, उन्होंने उस छोटा भाषण था लेकिन महत्वपूर्ण भाषण में कहा कि आप इस ये मत करिए। आई फुल्ली रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू गेट हेल्प फॉर हिडन्स फ्रॉम द क्रिश्चियंस इन द क्रिश्चियन लैंड, क्योंकि मैं जब यहाँ आ गया तब मुझे सच में पता चला कि मुझे मदद मिलना कितना मुश्किल था, मुझे आसानी से मदद मिली नहीं किसी से भी। तो ये इसमें से ही पता चलता है कि आप ये जो कहते हैं कि हम लोग मदद कर रहे हैं, ये मदद करना नहीं है, आपको सिर्फ आपका धर्म का प्रसार करना है। ये छोटा लेकिन बहुत ही साहसी, बहुत ही करेजियस उनका, क्योंकि उनके ही भूभाग में थे, उनके देश में खड़े रहकर इस प्रकार से गर्जना करना, ये कोई स्वामी विवेकानंद नहीं कर सकते, बाकी लोगों के बस की बात शायद नहीं है। वो इतने प्रकार के उनका वहां का व्याख्यान है। उसके आगे का व्याख्यान जो बुद्धिज्म के बारे में बहुत सुंदर व्याख्यान है, उसके बारे में हम लोग अपने आने वाले चरण में थोड़ा सा उसका लाभ